भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, बोलो श्री रामचंद्र की जय, श्रियावर रामचंद्र की जय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैंडीकैप्ड गर्ल हेमलता। तो बिना स्किप किए मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आज है 22 जनवरी। ये 22 जनवरी की गुड मॉर्निंग है। अभी हम सिर्फ जस्ट जगे हैं। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ हर जाएंगे, उन्हें ना भीगे भीगे जाए, कैसी खुशी ये छुपाए, राम आएंगे। आप ऐसे बनोगे पर हेलो गाइस, देखो हम फूलों को लेकर जा रहे हैं अपने घर को सजाने के लिए, घर के मेन गेट को सजाने के लिए। राइट, ये पार्क फूलों की माला लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज राम आएंगे और हम बम भी चलाओगे। अच्छा, बम भी चलाओगे यानी दिवाली मनाओगे आज? ओहो, अयोध्या में राम मंदिर। फुलझड़ी क्या जलाएंगे? फुलझड़ी। ओहो, इसका मुंह तो देखो, फुलझड़ी। लेकिन ठंड मतलब फ्रेंड्स, ठंड इतनी ज्यादा है। देखो यहाँ पर हम बैठे हैं मेन गेट पे। ओहो, बहुत ज्यादा ठंड आ रही है पार्थ। यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। चल चल, मुझे तो ठंड नहीं लग रही, मेरी तो टोप पहन लेता है। ओह, आपने कैप पहन रखी है ना, इसलिए नहीं ठंड लग रही। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। आप चलो इनको ले चलो, फूलों की माला को, वहाँ पे जल्दी से इसे डेकोरेट कर देते, सुंदर सा अपना घर बना देते। गर्म हो रहा है, दूर रहना। हमें जराम फराम तो नहीं लगता, बोला ना। ओहो, क्या कहा, फिर से कहना जरा। जराम फराम तो नहीं लगता। अब वो धर्म फरम तो नहीं लगता। तो यहाँ हम कर रहे हैं पापा की ड्रेस पे प्रेस, और बाहर बज रहे हैं राम जी के भजन। ये सुनकर मन मुग्ध हो जाता है। हाँ, देखो आप शूज पहन के पहन गए बैठ गए हो। आपको जरा सा भी ख्याल है, बेड कितना अच्छा किया है भाभी ने, मम्मा ने, आपकी ने। चलो इसे बाहर नीचे निकालो बेटा, इसे बेड पर। वो लाइट जल रही है, देखो मैं प्रेस कर रही हूँ ना, इसलिए लाइट जल रही है बेटा। ओके बेटा, बेटा दूंगी ना जलाने, एक मिनट रुका करो। आप एंड तक आप बने रहे मेरी वीडियो में, और मैं बताती रहूंगी आज मैंने क्या क्या किया। लो मैं इसको बंद। देखो जिद कर रहे हैं भाई साहब कि हमको प्रेस करनी है बेटा। ओ, बाबा का कुर्ता जल जाएगा बिट्टू। रुको एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। लो तो ठीक है, आ करो, आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, वायर निकल जाएगा। इधर इधर इधर, सूज भी नहीं निकाले नॉटी बच्चे ने। चलो जल्दी जल्दी करो, बाबा का कुर्ता जल जाएगा वरना। ओहो, अच्छा लग रहा है काम करके। हैप्पी डर लगता है ना, कहीं कुर्ता पजामा जल गया तो बाबा का हमारी पिटाई सिटाई कर देंगे कि मेरा पजामा किसने जलाया है, कहेंगे ना बाबा। फिर मैं तो कह दूंगी पाप ने जलाया, मुझसे मत कहना कुछ। नहीं लगाई, मैं बोलू हुआ ने, और तुम बोलो पाने, हुआ ने पाने, हुआ ने पाने। अच्छा अच्छा, ऐसी बहस होती रहेगी। स्टॉप, बाबा बोलेंगे स्टॉप। उसके बाद सच में भगवान बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे, इतना ठंडा मौसम कर रखा है। मैं छत पे जा रही हूँ, जो काम है उस काम के लिए। आप देख सकते हो मैं अपने कपड़े भी लेके जा रही हूँ। और आप सब कैसे आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सब कमेंट में बता सकते हैं। हमने जो भी किया, मतलब आप लास्ट तक देख सकते हैं मेरी वीडियोस में हमने क्या क्या किया था।
अयोध्या मंदिर बनने की इतनी ज़्यादा खुशी थी ना भारतवासियों को, सच में इतना हर्षोल्लास था, इतने हर्षोल्लास के साथ इसको सेलिब्रेट किया पूरे भारतवासियों ने। गली गली में ऐसे नारे गूंज रहे थे, बोलो जय सिया राम की, मतलब रामचंद्र की जय। सच में इतनी खुशी हो रही थी जैसा फेस्टिवल है क्या। पहुँच गई छत पर, सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इतनी ज़्यादा ठंड को देखकर। आप देख सकते हो बाहर कितनी ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं ये 10:30 बज चुके हैं, 10:30 बज गए और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। छत पे आ तो गई हूँ, घर में सभी मेंबर नहा चुके हैं बट मैं ही रह गई हूँ बस। हम सारा काम खुशी खुशी करते हैं, वो सब लाइफ में एडजस्ट हो जाता है, बट ये सारे स्ट्रगल होते हैं हमारी लाइफ में। जो भी हैंडीकैप पर्सन होते हैं वो स्ट्रगल होता है ये सब, बट हम सब जूता और बार बार निकल जाता है, ठंड में परेशान कर रखा है। जूता जो बार बार पैर से निकल रहा था मुझे परेशान कर रहा था, मतलब ये तो छोटा छोटा है, कुछ लाइफ में तो इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी आती है ना कि वो सब हमें फेस करना ही पड़ता है। भाई गॉड की कसम, इतनी सारी ठंड को देख के तो मुझे बहुत, घर के परिया राम अवध में आने वाले हैं और इतनी सारी ठंड, बताओ उनके भक्तजन कैसे इतनी सारी ठंड में पहुंचेंगे। सब दर्शन करने जा रहे हैं अयोध्या मंदिर के और ठंड इतनी, सोच रही थी थोड़ा और वेट कर लेती हूँ शायद धूप निकल आए। चलो तो मिलती हूँ, आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में एंड तक। हे जय श्री राम, हिम्मत देना। देखो ठंड की वजह से आइज भी ओपन नहीं हो रही है मेरी तो, सच में। लो आ गई मैं सावन लेके, ठंड इतनी ज़्यादा है ना, सच में बहुत ज़्यादा ठंड है, मेरी तो आवाज़ भी नहीं निकल रही ठंड के कारण। और देख सकते हो आप क्या हालत हो रही है, मैंने तो डबल स्वेटर पहन लिया इसीलिए, जस्ट अभी सावन लेके आई हूँ और हो गई मैं नीचे जाके। अब भगवान राम जी को याद कर लूँगी, उनसे जो भी मनोकामना है वो मांग लूँगी। और आज मैंने कपड़े वॉश नहीं किए, वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ, वॉशिंग मशीन में धुल जाएगा आज। ठंड की वजह से नहीं मन कर रहा आज मुझे कपड़े वॉश करने का, और लेट भी हो जाऊंगी तो आज हम क्या कर रहे पहुँच गए और यहाँ भाभी बना रही है खाना। राम राम जी, राम राम। हाँ मम्मी, ओके ये आज का छोटी भाभी काम कर रही है, हाथ में चोट लग गई है। यहाँ मैं सूज निकाल कर मंदिर वाले रूम में जा रही थी, वैसे मॉर्निंग में भाभी और मम्मी ने पूजा कर ली थी, लेकिन मैं थोड़ी देर श्री रामचंद्र जी का ध्यान करूँगी और जीवन में आने वाली सभी मुश्किलों का हंसते हंसते सामना कर सकूँ ऐसी शक्ति मांगूंगी। जीवन संघर्ष का नाम है, बस जीवन में संघर्ष करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसाते रहो और नया नया बहुत कुछ सीखते रहो। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद ध्यान करने के बाद, आप बने रहे मेरे वीडियो में एंड तक। जी अयोध्या में मंदिर बनने की और राम के अवध में लौटने की सभी को कितनी खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। पानी चलने से क्या हालत हो जाती है, मेरे कपड़े वगैरह सब बिखर जाते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ बाहर, बाहर क्या हो रहा है देखिए। मैं अभी इतने ज़ोर ज़ोर से जयकारे लगा रहे हैं सब लोग, इतने ज़ोर ज़ोर से जयकारे लगा रहे हैं, जय श्री राम गूंज सुनाई दे रही है, भगवान राम की इतनी ज़ोर ज़ोर से जयकारे सुनाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ऐसे ही भारत में खुशियाँ आती रहें। और पापा जी ने बाहर खीर का प्रबंध किया है, देखो मम्मी जा रही हैं, देखती हूँ, चलो मैं भी देखती हूँ क्या हो रहा है बाहर। राम जी के स्वागत के लिए दोपहर है और यहाँ मैं आ गई हूँ, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा, वहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं पापा जी। इतनी दूर मैं इतनी दूर तो जा भी नहीं सकती। तो पापा आज खीर बनवा के थोड़ा प्रसाद के रूप में सबको वितरित कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी दूर हैं तो मैं वहाँ जा भी नहीं सकती, यहीं बैठे बैठे देख रही हूँ।
हमारे पड़ोस में एक अंकल की दुकान है, साइकिल साइकिल वगैरह को करते हैं, देख सकते हैं आप ये दुकान है। बाजी प्रसाद वितरित कर रहे हैं, मैं वहाँ तक जा नहीं सकती यार, मैं भी चली जाती वही उधर उधर मंदिर है ना वहीं पे ले गए, यहाँ पे नहीं बांट रहे अपनी दुकान पर। भाई अपने काम में बिजी हो गए आज प्रसाद बांटने में, और मैं आ गई दुकान संभालने, तो मैं दुकान पे बैठ गई भाई की दुकान पे। सभी जा रहे हैं, झंडा दिखाने जा रहे श्री राम जी का, झंडा लहराते हुए ये रहा मेरा भाई, जय श्री राम। वहाँ पे हम प्रसाद, देखो मेरा भाई और पापा ये सब प्रसाद बांट रहे हैं वहाँ पे खीर का। ऑटो आ गया बीच में, दुकान संभाल रही है मम्मी भी है। सीताराम जय श्री राम। मम्मी जी मुझे एक प्रसाद दे दो, हाँ मेरे लिए भी ले आओ एक प्रसाद, ले आओ मेरे लिए भी। सीताराम, और यहाँ देखो परात में पापा जी ने थोड़ी परात में ऐसे पैर गरम करने के लिए लकड़ी जला रखी है। राम सिया राम राम, इतने सुंदर सुंदर भजन चल रहे हैं, एकदम भक्ति जैसा मगन हो गई हूँ मैं तो। राम सिया राम सिया राम सिया, अयोध्या अरे मेरे प्रभु राम, बोलो जय जय सिया राम, अयोध्या आए मेरे प्रभु राम, बोलो। प्रसाद आप भी खा लीजिए, देखिए भाप निकल रही है, गरम गरम खीर है तो मैं तो खा रही हूँ प्रसाद। श्री रामचंद्र के जयकारे लगाते हुए रैली पर रैली निकल रही थी, ट्रैक्टर ट्रॉली झांकियां निकल रही थी, बहुत ही अति सुंदर राम जी के जयकारे लगाते हुए। ये 28 को किसी स्कूल से रैली निकली थी। जय जय सिया राम, अयोध्या मेरे प्रभु राम, बोलो जय जय सिया राम। मैं मथुरा में रहती हूँ और मथुरा में इतनी ज़्यादा रौनक थी, 2 दिन पहले ही मतलब स्कूलों से रैली निकाली जा रही थी। ये 20 तारीख को एक स्कूल से रैली निकल रही थी और प्यारे प्यारे बच्चों ने राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी का रूप धारण करके इतनी सुंदर सुंदर झांकी निकाली थी, देखकर मन मोह गया था उनको। तो मैं अपनी छत से ही देख रही थी और ये उसी स्कूल के टीचर से नारे लगाते हुए जय श्री राम की, मतलब इतनी सुंदर झांकी थी, हम सब देख रहे थे छत पर बैठ कर। तो भाई आ गया था दुकान पे, फिर मैं घर जा रही थी, ये दिखा रही थी इतनी गंदी सीढ़ियाँ हो रही थी, सीढ़ियों से जाना था, उधर की साइड गेट था और जो भी प्रसाद था खीर बनाई थी वो सारी वितरित कर दी भाई और पापा ने, मैं यहीं बैठी देखती रही थी, वहाँ तक जा नहीं पाई थी, थोड़ा दूर मंदिर था। तो मिलती हूँ फिर उसके बाद, मैं देखती हूँ क्या करती हूँ, घर पर जाकर पढ़ाई करूँगी, बस हो गया सुबह का प्रोग्राम, तो अब देखते हैं सबको क्या करना है, दोपहर को अपनी स्टडी कर लूँगी। मुँह हाथ धोकर आई हूँ, अब जा रहे हैं शाम की आरती करने के लिए हम। सच में आज के दिन इतना, मतलब पूरा कॉलोनी इतनी मगन हो रही है भक्ति में, राम जी के में, राम के मंदिर में इतनी भक्ति में मगन हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि आज एक फेस्टिवल है, फेस्टिवल जैसे सेलिब्रेट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अमेजिंग, पूरा दिन ही बहुत ही अच्छा गया। अब हम जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ, अभी मुँह हाथ धोकर आई हूँ, बस बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है सच में, राम जी के आने की इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता। तो भगवान की पूजा हो गई, आरती हो गई, लीजिए मैंने तो आशीर्वाद ले लिया, आप सभी आशीर्वाद ले लीजिए भगवान जी का। दीपावली जैसा माहौल तो हो ही रहा था, घर घर में सब लोग दीपक जला रहे थे, तो हम भी दीपक जलाने की तैयारी कर रहे थे, मैं सभी दीपकों में ऑयल डाल रही थी, बाती लगा रही थी। थैंक यू बाबू, मेरा बाबू भी काम करता है पार्थ,
ये बताओ थोड़ी सी वीडियो शूट कर। राम जी के आने से आपको खुशी मिल रही है? हाँ। बहुत खुशी मिल रही है। राम जी आ रहे हैं? आप राम जी आ रहे हैं? कैसे आएंगे राम जी? राम जी हाँ जी काम भाले जब हम उनके लिए कुछ काम करेंगे। आप कुछ काम कर रहे हो? काम करेगा। भाई और भाभी दीपक ले गए छत पर जलाने के लिए और कुछ भी है उन्हें मैं जला रही थी वो ले जाएंगे छत पर। मैं जला जला के रख रही थी। सब्सक्राइब माय चैनल। एक दूसरे को जला दे। मैं जला जला के रख रही थी दीपक। भाई और भाभी छत पे ले जा रहे थे उन्हें जलाने के लिए। दीपक को जला दो ठीक है बड़े को। देन बिखरा हुआ सामान समेटने के बाद मैंने मंदिर में बड़ा वाला दीपक जला हुआ था और छोटा वाला दीपक नीचे जला दिया जिससे रोशनी और ज़्यादा हो जाए। एंड अब मैं छत पे जा रही हूँ देखने के लिए छत कैसे जगमगा रही है। हमारी छत पर कितने दीपक जले हुए हैं और कैसे जगमगा रही है। और लॉबी में भी हमने एक दीपक लगाया था आप देख सकते हो। और सबों की छत पर दीपक लगे हुए बता रहा था भाई। मैंने कहा चलो मैं भी देखने चलती हूँ हमारी छत पर कितनी प्यारी लग रही है औरों की छत भी। मतलब दिवाली जैसा माहौल है कि नहीं। तो मेरे आने से पहले भाभी ने और भाई ने दीपक लगा दिए और भाई अभी लगा रहा है ऊपर तक छत पर। मतलब राम के आने की अयोध्या बनने की इतनी सारी खुशी बहुत ज़्यादा इतनी खुशी हो रही है कि जैसे दिवाली बनाई जा रही हो। देख सकते हो यहाँ आस पास घर घर में दीपक जलाए गए हैं। सच में सबको इतनी प्रसन्नता थी राम के आने की कितनी प्रसन्नता है सबको और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। देखिए अभी छत पे आई हूँ ना तो थोड़ी दौड़ लगा के वो आई हूँ। मम्मी मुझे आवाज़ लगा रही थी कुछ काम है जस्ट अभी जाऊँगी उनके पास। और बस ये बहुत ही प्यारा नज़ारा व्यू देखने के लिए मैं ऊपर आई हूँ दौड़ी दौड़ी और आप सबको भी दिखाने के लिए। मतलब दीपक और लाइट से घर को कितना सुंदर और भव्य मतलब इतना सुंदर बना दिया जाता है। और सबसे मेन देशराज देखो जरा इधर कैंडल गिर गई है वो रस्सी है साइड देखो एक मिनट कैंडल जल्दी दिख रही है। देशराज जल्दी आओ जरा एक मिनट दो यहाँ पे कैंडल ऐसा लग रहा है रस्सी ना चढ़ जाए। वैसे काफ़ी दूर है मुझे दिख रही है काफ़ी दूर है आप देख सकते हो सच में। और पटाखे चलाए जा रहे हैं बम चलाए जा रहे हैं कितनी खुशी हो रही है जैसे दिवाली बनाई जा रही है। फिर से मैं थोड़ा पास जाके देखती हूँ। और हाँ जी ओहो देखो पार्थ कितने सारे कैंडल। ये सारी छत का व्यू टॉप से लेकर डाउन तक मतलब कितना प्यारा लग रहा है कैंडल और दीपक के साथ। तो देख लिया अब चलो चलते हैं नीचे। ये दोपहर के समय जब हम लाइव वीडियो में मोदी जी को और अयोध्या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करते हुए देख रहे थे और बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर बनाए सच में देखकर इतनी खुशी हो रही थी। तो ये दोपहर का समय है जब हम सब मिलकर लाइव देख रहे थे। एंड देन अब ये हो गई शाम का समय जब हम रात को सोने जा रहे थे। तो मैं पैरों को सेक रही थी हीटर से और सब लोग मतलब भाभी और मम्मी टीवी देख रहे थे और सब अपने अपने रूम में चले गए थे और मैं अपने रूम में स्टडी करने वाली हूँ। भाभी चली जाएंगी तब और पैर गरम सेकने के बाद ऐसा रहा मेरा आज का दिन। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें शेयर करें एंड सपोर्ट करें और कमेंट करें। देखो भाभी और मम्मी देख रही थी अनुपमा जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं।